सीवान में एक निजी क्लिनिक में बुधवार को मरीज की मौत के बाद जांच करने गई पुलिस पर हमला करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक एएसआई समेत दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सीवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है। ये पूरा मामला आखिर है क्या, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सीवान नगर थाना क्षेत्र के फतेहपुर स्थित वेलकम नर्सिंग होम के डॉक्टर अमजद अली की क्लिनिक में एक महिला की इलाज के दौरान बुधवार को मौत हो गई थी, जिसके बाद देर शाम परिजनों ने जमकर बवाल काटा। डॉक्टर ने अपनी सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस को बुलाया। इस मौके पर पहुंचे नगर थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम मृतक के घर वालों से मामले को लेकर बयान ले रहे थे, तभी मकान मालिक अरविंद सिंह पहुंचे और घर में बाइक चढ़ाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने कहा कि बयान हो जाने के बाद बाइक चढ़ाना। इसके बाद बहस होने लगी। इसके बाद मकान मालिक ने ताबड़तोड़ पुलिस पर हाथ चलाना शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस कर्मी पर कुर्सी डंडो रॉड से हमला किया गया। इसके बाद पुलिस टीम में भगदड़ मच गई। मृतका के जीजा ने बताया कि मृतका राजमणि देवी की शादी 29 मई को हुई थी। शादी के एक दिन बाद ही मृतका की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सीवान सदर अस्पताल लाया गया। उसके बाद उसे फतेहपुर स्थित वेलकम नर्सिंग होम के डॉक्टर अहमद अली के यहां भर्ती कराया गया, जहां राजमणि की बुधवार देर शाम मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस ने कहा कि सूचना पर पुलिस वहां पहुंची, जहां अस्पताल के स्टाफ और परिजनों के साथ बहस हो रही थी। पुलिस उन्हें समझाने पहुंची, जहां पुलिस पर लाठी और रॉड से हमला हो गया। क्या हुआ है आप लोगों से? लिखाना दीजिए ना सर, क्या हुआ था? मतलब अच्छा, क्या हुआ था? जैसे क्या हुआ, किस बात को लेकर विवाद हुआ है? विवाद तो शांत हो चुका था, लास्ट परसेंट डेट किया, विवाद शांत हो गया था। टकराव भागिए भागिए, यहाँ कौन चीज करने के लिए है? अच्छा तो रोड उठा करके रोड चलाने लगा, रोड से मारने लगा। हाँ, रोड से चला दिया, रोड लगल है। कितने लोग हैं आप लोग? उनका क्लिनिक में लगभग 10 से 15 आदमी थे। अच्छा, पुलिस पे हमला किया लोग? हाँ। कितने लोग घायल है सर पुलिस में? दो आदमी। हाँ, एक जो है। कोई सूचना मिला था, उस सूचना पर गए थे, और उसके बाद वो मरीज वाला से थोड़ा नोकझोंक हो रहा था, उसके बाद वही समझाने बनाने गेट उससे हटाने गए, लोग बंद करने में धक्का मुक्की करने लगे, उसी धक्का मुक्की उनका स्टाफ द्वारा की हुआ है। तो किसके द्वारा? हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा आप लोगों पे हमला किया गया? हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा।